इधर फरीदाबाद में पंडित लखीम चंद पर आधारित फिल्म दादा लखीमी की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है। फिल्म को देखने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल खास तौर पर पहुंचे हैं, जिन्होंने फिल्म की जोरदार तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म हरियाणवी लोक कला और संस्कृति को समेटे है। पंडित लखीमी चंद और उन्होंने हरियाणा की शान बताया। फिल्म की टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह फिल्म युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का काम भी करती है। साथ ही विप्लव ने इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। इस मौके पर तिंगाव के विधायक राजेश नागर, फिल्म के हीरो हितेश शर्मा समेत फरीदाबाद के बहुत से लोगों ने फिल्म का आनंद लिया। आपको बता दें कि इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, फिल्म देखने के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी पहुंचे हैं और इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने विपुल गोयल ने इस मूवी की तारीफ की है। कहा है कि यंगस्टर्स के लिए ये एक प्रेरणा का काम करती है, इसे सभी को देखना चाहिए। हम तस्वीर भी उस वक्त की दिखा रहे हैं जब कैबिनेट मंत्री तमाम लोगों के साथ देखने पहुंचे हैं। इस देखिए, यहां पर तमाम मंत्री मौजूद भी हैं। मंत्री के साथ आपको बता दें कि दादा लक्ष्मी की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है जिसमें अभिनेता भी मौजूद रहे। जब वो नेम फेम के शिखर पर होता है उसे लोग जानते हैं, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कैसा है, वो यहाँ तक कैसे बना, किस आग में तपकर बना, वो आज यहाँ देखने को मिला। दादा लक्ष्मी के बारे में हमने भी बहुत उनकी रागनियाँ सुनी, बहुत मंचों से उनकी बात कही, लेकिन दादा लक्ष्मी कैसे बने वो इस फिल्म के अंदर आज देख कर पता चला। मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी को भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी कि आज ऊपर जो शिखर पर लोग हैं वो किस तरीके से एक कहते ना तपकर।